ये वीडियो हेयर स्टाइल पे डिपेंड करती है, सो अगर आप सिंगल हो तो मत देखना, और अगर आप रिलेशनशिप वाले हो तो जरूर देखना। वैसे सिंगल इसलिए नहीं देखना क्योंकि सिंगल तो वैसे भी कैसे भी रह लेते हैं यार। रिलेशनशिप वाले जो कि जिनकी गर्लफ्रेंड है, उनको कॉल करनी पड़ती है अपनी गर्लफ्रेंड को, तो वो लड़के ये वीडियो जरूर देखें यार, क्योंकि हेयर स्टाइल का मामला है। और अगर आपके हेयर्स बहुत बढ़ गए हैं, खुद से मत काटो, बहुत लोग काट रहे हैं और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने बहुत से अपने दोस्तों को देख लिया, इन्होंने काट के अपना मतलब ऐसा काम हलाल कर रखा है, तो वो कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। तो आज मैं आपको दो ऐसी हेयर स्टाइल्स बताऊंगा जो आपको लॉकडाउन में आपको हेयर काटने की खुद की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद नहीं काटोगे अपने हेयर यार। आप बार बार नहीं हो, बार बार नहीं होता, ठीक है ना, आप ना ही नहीं हो, आपकी शॉप नहीं है, ठीक है। तो आप अपना मतलब जबरदस्ती मत करो, अपने बालों के साथ ऐसे ऐसे जुल्म मत करो, आपकी गर्लफ्रेंड की और भाग जाएगी, गलत काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने बालों को सबसे पहले हेयर स्टाइल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है ऐसे सिंपल हेयर स्टाइल रखनी, वो भी अपनी अपोजिट डायरेक्शन पे। जैसे सिंपल हेयर स्टाइल आपको सूट करती है, वो अगर राइट साइड होगी, मेरे को राइट साइड करती थी, अब मैंने लेफ्ट कर दिया, तो उसमें चेंजेस आ जा रहे हैं। और साथ में अपने बालों को ऐसे नीचे गिरा दें आप ऐसे, तो ये एक हेयर स्टाइल जो है कूल लग रही है, अच्छी लग रही है, कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपनी गर्लफ्रेंड से फ्री खुले में अच्छे से बात कर सकते हो वीडियो कॉल पे, ठीक है। और सेकंड हेयर स्टाइल हमारी कुछ ऐसी है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ और आता हूँ, बाय। तो सेकंड हेयर स्टाइल हमारी है फ्रिंज हेयर स्टाइल। ये मेरी सबसे फेवरेट हेयर स्टाइल है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है क्योंकि ये सारे चेहरों पे सूट करती है, सबके चेहरों पे ये क्यूट लगती है। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको वीडियो कॉल से देख रही है ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कहीं नहीं जाएगी। बस एक बार ये फ्रिंज हेयर स्टाइल ट्राई करो, आगे अपने बाल करो, पहले कभी अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर इसे ट्राई करना। अपने आपको चेहरा अपने चेहरे को आप शीशे में देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगोगे, सच्ची में बहुत ज़्यादा क्यूट लगने वाले हो आप। सो ये वाली हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई करना, फर्स्ट वाली आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद नहीं आती है, आपको ये यूज़ नहीं करनी फ्रिंज हेयर स्टाइल, तो आप फर्स्ट ऑप्शन जो कि सिंपल ऑप्शन है, अपने बालों को अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप बनाते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने बनाना है और उसको ऐसे छोड़ देना। और सबसे बेस्ट मेरा ये सेकंड ऑप्शन जो मुझको भी बहुत पसंद है, फ्रिंज हेयर स्टाइल अच्छी लगती है और क्यूट लगती है, मोटा हो पतला हो जैसे भी हो सब पे सूट करती है। सो ये थी मेरी दो बेस्ट हेयर स्टाइल जो कि आप क्वारंटाइन में लॉकडाउन में ये यूज कर सकते हो, क्योंकि कोई सैलून नहीं है। और अपने आप नाई बनने की कोशिश मत करो यार, ठीक है। उसके बाद आप जाओ जैसे मर्जी हेयर स्टाइल कटाओ, जौन सी हेयर स्टाइल कटाओ, बट फिलहाल के लिए ऐसी चीजें मत करो, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त बहुत पछता रहे हैं ये करने के बाद। सो मैं नहीं चाहता कि आप भी पछताओ, ठीक है गाइस। फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो अभी खत्म करता हूँ, और जल्दी हम लोग धीरे धीरे प्रोफेशनल तरीके से वीडियो भी बनाएंगे, अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही चल रहा है, ठीक है गाइस। सो अभी ऐसे ही चलेगा। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए, थैंक यू सो मच वीडियोज देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस। Bye.